हेलो फ्रेंड, मैं राजन कुमार, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुराने हीटर में नए कॉइल को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, मेरा कॉइल ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, तो इसको रिप्लेस करके मैं नया कॉइल लगाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, इसका कनेक्शन सिंपल है, बाकी इसका कॉइल लगाने का तरीका अब अच्छे से देखिए। पहले सब निकाल लेंगे, हम पूरे साफ कर लेंगे इसका। चलिए देखिए, मेरे सर्किट डायग्राम देख लीजिए। चलिए इसे हम साफ कर लेते हैं अच्छी तरह से, इस कॉइल को हटा देते हैं। इसमें बोल्ट वोल्ट जितना लगा हुआ है इसको भी हटा देते हैं, इसमें नया बोल्ट हम लगाएंगे। चलिए अब हम अब कॉइल को लगाएंगे, इसे खोल लेते हैं। उसके बाद हम इसे दोनों छोर को पकड़ के हम इसे थोड़ा कस के खींचेंगे ताकि ये थोड़ा लेंथ में आ जाए। ये मेरा दोनों कॉइल के साइड में चलेगा, दोनों छोर को खींच लेंगे अच्छी तरह से ताकि वो लंबा हो जाए, ये मेरा आसानी से लग जाए। चलिए अब इसे हम बोल्ट को लगा लेते हैं इस कॉइल में। एक छोर पे लगाएंगे, फिर दूसरी छोर पे दूसरा बोल्ट लगाएंगे। चलिए इसे कस देते हैं प्लास के हेल्प से, अच्छी तरह कसेंगे। इसमें कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, कनेक्शन लूज होगा तो ये स्पार्क करेगा। हीटर में लूज कनेक्शन एकदम नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा टाइट कनेक्शन होगा उतना इसमें सही रहता है। चलिए अब दूसरा साइड को भी हम कनेक्शन कर देते हैं, जस्ट इसी तरह हम दूसरा साइड को भी कनेक्शन कर देंगे। देखिए मेरा कनेक्शन हो गया, अब इससे हम कॉइल को इसमें बैठाएंगे। इसमें कॉइल को अच्छी तरह से बैठाना है, इसको पहले पहला छोर को हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से। चलिए मेरा एक छोर टाइट हो गया, अब हम इसमें इसके ऊपर बैठा देंगे अच्छी तरह से कॉइल को। आराम से थोड़ा खींच खींच के बैठाना है, थोड़ा टाइट रहेगा तो बेटर रहेगा। ये कॉइल एक बार जलने के बाद ये अपने आप बैठ जाता है। चलिए यहाँ पर मेरा कॉइल बैठा दिए हैं, दूसरा छोर को भी हम। देखिए अच्छी तरह से हम दूसरा छोर को भी टाइट कर देंगे। चलिए मेरा दूसरा छोर भी टाइट हो गया है, देखिए मैंने बैठा दिया है कॉइल को। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं, इसे अच्छी तरह बैठा देंगे। इसमें दो जो ऑलरेडी दिया हुआ है तार सब, उसको हम वायर को इसमें कनेक्ट कर देंगे, और इसके बाद जहाँ से इसका सप्लाई आया है वहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। प्लास के हेल्प से इसे अच्छी तरह उसको इसमें फंसा देंगे, अच्छी तरह से मोड़ देंगे। उसके बाद इसके ऊपर में हम नट कट कस देंगे ताकि इसमें भी टाइट हो सके अच्छी तरह से। पहला छोर टाइट हो गया, अब दूसरा छोर को जस्ट इसी तरह हमको लगा देना है। ये मेरा दूसरा छोर भी कंप्लीट हो गया। अब हमें जहाँ पर कनेक्शन है, जो का तार वायर जहाँ तक आया हुआ है, हमें वहाँ पर कनेक्ट कर देना है।
इसे पलटा लेंगे, उसके बाद हम कनेक्शन को जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरा दो टर्मिनल निकला हुआ है, बस इस दोनों टर्मिनल में हम दोनों वायर को जोड़ देंगे अच्छे से, टाइट से। ये मेरा कंप्लीट हो गया, बस आपको इसी तरह कनेक्ट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।